जय माता दी। दोस्तों हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है और कोशिश करूँगा मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाने की, वन बाई वन सारी यात्रा की आपको डिटेल दूंगा। और अभी हम यहाँ पर अर्धकुंवारी मंदिर पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पीछे आप देख पा रहे होंगे अर्धकुंवारी मंदिर। तो दोस्तों और ये है शैलपुत्री भवन, जिसका हमें रूम अवेलेबल नहीं हुआ। हमने नीचे निहारी का पहले से पूछा था, जो आपको हमने अभी दिखाया होगा वीडियो में, तो अवेलेबल ही नहीं थे, रूम एकदम फुल था। अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए एक और डोमेट्री बन रहा है ऐसा लोगों के लिए रहने के लिए, विच इज़ गुड। ओके एंड रादर देन आई विल बी। जय माता दी। ये बन गया भवन हरिद्वारी। दोस्तों हम जाएंगे आती मथे वाले रास्ते से, हिमकोटी से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद सारा ढलान ही ढलान है। तो हम चलते हैं हिमकोटी की तरफ से नहीं जा करके, हम जाएंगे हाथी मथे की तरफ से। दोस्तों तो वीडियो में साथ में बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय माता दी, जय माता दी। ये है 22 स्टेयर्स का रास्ता। अगर आपको लाइक सांस की दिक्कत नहीं हो सकती, सो यू कैन गो, एंड अगर होती है तो आप वो नॉर्मल वाला रास्ता ही ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ले भी रहे हो, इससे क्या होता है स्टेयर्स से ना काफ़ी ज़्यादा 2-3 राउंड कवर हो जाते हैं, तो इस वजह से आई गो विद स्टेयर्स। वैसे तो धीरे धीरे चलो तो हो ही जाता है, ठीक है। जय माता दी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं हाथी मथा की चढ़ाई तक और मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। बूंदे आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम ठीक है, हवा बहुत तेज़ है और ठंड भी काफ़ी तेज़ हो रखी है। थोड़ी हवा की वजह से ठंड है, नहीं तो वैसे ठंड नहीं है। ये देखिए सामने हाथी मथा बोर्ड लगा हुआ है। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये देखिए दोस्तों हाथी मथे की चढ़ाई, हाथी मथे की चढ़ाई। बरसात के बाद में देखिए दोस्तों कितना सुहाना मौसम हो गया है, चारों तरफ से हरियाली नजर आ रही है। ये देखिए कितना ही अच्छा मनमोहक दृश्य नजर आ रहा है। अरे अब आ भी जाओ, इन्होंने अब ये कर देना, कट कर देना। जय माता दी दोस्तों। और अभी हम ये हाथी मथा का रास्ता चढ़ रहे हैं, एकदम एकदम स्टीव है ये पूरी की पूरी चढ़ाई जो है, और बस 400 मीटर की दूरी पे सांझी छत है। सांझी छत का जो प्रसाद अवेलेबल है, हलवा चने प्लस टी, वो दरबार की जय। बोला बोले उसी में रे, हमारी अनी तो बोलती नहीं है। जय माता दी, आदि शर्माता है जय माता दी बोलने में। तो दोस्तों इनके लिए दुआ करें, इनके मुंह से निकले जय माता दी, और आप भी कमांड में लिख देना जय माता दी। बस हम प्रसाद वाली जगह पहुंचने वाले, फिर फटाफट भवन भी पहुंच जाएंगे। चलो बाय बाय। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सांझी छत पे, जहाँ पर हलवा और चने का प्रसाद मिलता है बिल्कुल फ्री। तो माता रानी ने सबके लिए यहाँ पर भंडारा लगाया है। आप सब भक्तों से भी गुजारिश है कि यहाँ पर जब भी आएँ तो ये इस प्रसाद को ग्रहण कर करके आगे जाएँ। यहाँ से माता रानी के भवन की दूरी 3 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद ढलाने ढलाना है, आराम से लुढ़कते फुड़कते चलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कमांड में लिख दिए क्या? जय माता रानी। Thank you.
माता दी। दोस्तों आप यहाँ से हलवा चने का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं भाई साहब। अब मैं भी प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चले अंदर। जय माता दी। हमारा हलवा चने का प्रसाद और उधर मम्मी आदि और पापा भी खा रहे हैं, ठीक है। अब हम खा के आगे चढ़ाई करने निकलेंगे। जय माता दी। भक्तों हम आ चुके हैं सांझी छत पर। यहाँ पर बहुत ही शोभनीय दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ खुला मैदान, ओम की आकृति बना हुआ फुहारा है यहाँ पर। और ये सामने देखिए आप, ये है हेलीपैड जो भूमि का मंदिर से हेलीकॉप्टर पे यात्रा करते हैं, यहाँ पर आकर के आप लोगों को यहाँ पर उतार देते हैं, जिसका किराया है 2050 रुपया। यहाँ से भवन का रास्ता 2.5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। यहाँ से फिर आप पद यात्रा करके यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, बहुत ही विहंगम दृश्य है। यहाँ पर जिस स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से भवन की आरती का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठ के बहुत आनंदित होकर के यहाँ पर यात्रा का और आरती का नज़ारा देखते हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो 3 मिनट में भूमि का मंदिर से यहाँ सांझी छत तक पूरा 3 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर अब लैंड करेगा हेलीपैड पर। अभी हम सांझी छत के यहाँ पे जो हलवा चना प्रसाद था वो ग्रहण करके जस्ट अभी आए हैं। हेलीपैड भी क्रॉस किया है। अब यहाँ से हमें पता लगा है कि भवन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब आने ही वाला है। और यहाँ से सब कुछ ढलान ही ढलान है, एकदम उतरते जा रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपके लिए भी हम प्रे करेंगे, ठीक है। जय माता दी। ये भी हम आए हैं, पंछी व्यू पॉइंट है। इस जगह को पंछी व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है ना, सीरियसली बहुत अच्छा है। देखो पीछे पहाड़, देखो बहुत अच्छा है। ये देखो, अभी दिखाती हूँ आपको वेट। और देखिए वो रहा, यहाँ से हमारे को माता रानी की भवन की पहली झलक दिखाई देती है। यहाँ से देख रहे हैं आप, तो यहाँ से हमारे को माता रानी के दर्शन हो गए हैं। अब हमें थोड़ा सा चलना है, फिर भवन वो देखिए सामने वो रहा। और ये देखिए यहाँ से कुछ पंछी व्यू पॉइंट, अमेजिंग। भवन हेलीपैड से नीचे निकलने के बाद में 2 किलोमीटर दूर रह जाता है हाथी मथे वाली चढ़ाई से। ये देखिए दोस्तों, ये वाला रास्ता देख रहे हैं आप ऊपर, ये हेलीपैड के लिए रास्ता जाता है सांझी छत के बाद, और ये नीचे सीधा भवन की तरफ जाता है ये वाला रास्ता। तो दोस्तों हम इस वाले रास्ते पे जाएंगे क्योंकि हेलीपैड के लिए नहीं जाना हमें, हम इधर से जाएंगे ऊपर से। देखिए भवन का नज़ारा पास में ही है, बस हमें ये थोड़ा सा कवर करना है, 1 किलोमीटर अप्रॉक्स है। भाई साहब देखिए, मैं अभी आई हूँ, आगे भी कोई नहीं है। अब थोड़ा आगे आई हूँ तो एक अंकल दिखाई दिया, नहीं तो आगे पीछे कोई भी नहीं था, पूरा खाली रास्ता। देखिए अब याद ही आ गया। चलो अब देखिए यहाँ से आगे कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी। मज़ेदार भवन वो रहा। ये देखो गाइस, जय माता दी। ये देखिए वे टू भवन के लिए यहाँ से 205 की स्टेयर्स है बस। और देखिए वो रहा सामने माता रानी का दरबार, हमें 205 स्टेयर्स नीचे उतर के जाना है और फिर हम पहुँच जाएंगे सीधा माता रानी के दरबार। ये देखिए कितना पास में है यहाँ से, एकदम सामने। जय माता दी करते रहिए कमेंट्स में। यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है माता रानी का। अब हम सीधा उतर रहे हैं नीचे, और यहाँ की सीढ़ियाँ भी देखो अच्छी बना रखी है, लाइक सही है भाई। 205 तो यूँ ही जाएंगे। और देखिए बीच में कितनी बड़ी पानी की टंकी है। पूरा दोबारा से माता रानी का दरबार दिखा रहे हैं, अब फटाफट चलते हैं। जय माता दी। अभी हम और बहुत पास आ गए हैं माता रानी के। अब देखिए यहाँ से और सीढ़ियाँ हैं एकदम। भाई साहब देखो
पेड़ काट की सीढ़ियां बनाई गई है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा नजारा है। देखो भाई गाइस, माता रानी की कृपा से धूप भी निकल आई है, सूर्य देवता ने दर्शन दिए। अब हम यहाँ से सीधा देखो वहाँ जाएंगे और आ गए सीधा माता रानी के भवन पे। बोले जय माता दी। और ये भी हम वहाँ से सीढ़ियाँ लेके आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको डोमिनोज भी अवेलेबल है, गुलाब भी अवेलेबल है, मतलब अच्छा अच्छा सागर रत्न भी अवेलेबल है आगे वो वहाँ पे, ठीक है। तो भाई बढ़िया है, अब हम आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय माता दी। वेलकम बैक गाइज, अब हम भवन पर आ गए, एकदम जस्ट सामने खड़े हैं भवन के, और अब हम दर्शन करने जाएंगे। फिर दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। जय माता दी, दरबार की जय। तो श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर स्काई वॉक का निर्माण किया है और यहाँ पर 9 माताओं की स्वर्ण पात्र में मूर्तियां स्थापित की हैं, जो कि ये रास्ता बिल्कुल देखने लायक है। और यहाँ से दिल करता है कि भाई दोस्तों यहीं पर ही अपनी धुनी रमा लो और बैठे रहो, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। और जो फ्लोर बनाया है ना दोस्तों, वो वुडन फ्लोर है, देखते ही आपका दिल करेगा। और यहाँ पर वेटिंग रूम में भी बहुत सारी चेयर लगाई हुई है दोस्तों। आरती हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे सारा अभी रोक दिया गया है, आरती के बाद ये लाइन कंटिन्यू होगी, इस वजह से लाइन लंबी है। हमने नीचे वाले गेट नंबर 5 से कल रात को दर्शन किए थे 12 बजे एंड हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम सीधा नहा धो के नहीं आपके हुए थे ना, और देखिए तृप्ति भोजनालय जहाँ से हमने रात को खाना खाया था, ठीक है। और इसी के नीचे जाके मतलब बेसमेंट में, मतलब भाई साहब नीचे फ्लोर बना रखे हैं तो वहाँ हम सोए थे। देखिए ऐसे zigzag करके ना अंदर एंट्री होती है, ठीक है। फिर वहाँ से आपकी गुफा आ जाएगी, माता रानी की पिंडी दर्शन। यहाँ से आप डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मनचाही जितना भी हो। और ये देखिए ये है भेंट शॉप, यहाँ से आप भेंट ले सकते हैं माता रानी के लिए, ठीक है। और हाँ जी कैसे लग रहा है आपको, ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है भेंट शॉप का। जय माता दी दोस्तों, मैं दर्शन करके आ चुका हूँ भवन में और बहुत ही मजा आया चरणामृत लेकर के वहाँ पे माता रानी पिंडी रानियों के दर्शन करके। जय माँ काली की शक्ति दी है, हमें शक्ति मिली है वहाँ से। हमारे दर्शन हो गए, जैसा आप देख सकते हो टीका लगा हुआ है हम सबके। जय माता दी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए और आप सबके लिए दुआएं मांगी। नहीं बट अभी भीड़ थी और पुरानी गुफा खुली हुई थी और जैसे ही हम गए तो जैसे गए वैसे ही खत्म हो गई भीड़ बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत अच्छा लगा पिंडी रानी के दर्शन करके, तीनों दादियों ने बहुत हमें आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर पर, कहते हैं जब तक बाबा के दर्शन ना करो तो यात्रा सफल नहीं होती है। कभी भी आप दर्शन करने आओ तो भैरव बाबा पे मत्था टेकने जरूर जाइए। बोलिए भैरव बाबा जी की जय। और देखिए पीछे भवन है, दिख नहीं दे रहा है पूरा, तो अभी धूप बहुत ज्यादा आ गई है, पहले नहीं थी, पहले बादल थे, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेट्स गो। ये देखिए जा रहे हैं, ये ट्रॉली की लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं ये लोग, और इन पर चला ही नहीं जा रहा, फेल हो गए। और ये हम दर्शन करके आ चुके हैं, ये सामने माता रानी का भवन, दर्शन कीजिए कितना प्यारा भवन लग रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों ये है ऊपर ट्रॉली से जाने के लिए, यहाँ पर टिकट काउंटर है, 100 रुपये का पर हेड यहाँ पर टिकट मिलता है और जो कि 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। जय माता दी। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के लिए, ये देखिए ये हमने टिकट लिया है, ठीक है, अब हम जा रहे हैं फटाफट से। ये 100 रुपये की टिकट है दोस्तों, 100 रुपये की एक बंदे की है यहाँ पर, और ये 2 घंटे तक के लिए वैलिड है। और ये है 100 रुपये आपका, और ये 100 रुपये का वे है रास्ता। दोस्तों ट्रॉली आती हुई देखिए पीछे
सपोर्ट करेगी। उतरेंगे यहाँ से यात्री, फिर हमारा नंबर इसमें आएगा, इसके बाद हम ऊपर भैरव दरबार में जाएंगे दर्शन के लिए। भैरव नाथ की भेड़ शॉप और प्राइस देखिए जी, भेड़ प्रसाद 50 हैंड निटिन ब्रेसलेट 20, मतलब कि जो काला धागा है भोले बाबा की तरफ से वो 20 रुपीस का है, ठीक है जी। और एक तो प्रसाद में आएगा ही तो उसका चार्ज नहीं लगेगा, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो उसके 20 रुपीस है, ठीक है। बाबा जी की अब हम नीचे से दर्शन करके आ चुके हैं और भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सामने मंदिर है दोस्तों, इसमें रास्ते में लाइन में लग के जाएंगे ऊपर और भैरव बाबा के दर्शन कोशिश करेंगे कि आपको मैं दिखा सकूं अगर वीडियो बन पाई तो। और ये सामने देखिए व्यू पॉइंट, भैरव बाबा जी के सामने धूप निकलती हुई, सब भक्त खुश हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, ठंड नहीं है। जय श्री भैरव बाबा जी की, जय श्री माता रानी जी की, जय भैरव बाबा जी की। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं भैरव मंदिर, अब दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर। भैरव बाबा भी थोड़ी सी भीड़ है, हम लग चुके हैं लाइन में। जय भैरव बाबा जी की, जय भैरव बाबा जी की, जय भैरव बाबा जी की, जय भैरव बाबा जी। जय भैरव बाबा जी की, जय भैरव बाबा जी की, जय भैरव बाबा जी की। भैरव बाबा जी के दर्शन हुए हैं और ये है धूना, बाबा जी की विभूति आगे मुख्य गेट पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, विभूति आगे से लेंगे, दर्शन बहुत बढ़िया हुए बाबा जी के, आपको भी मैंने कराने की कोशिश की है। हैं कहिए ये देखिए खजाना गोलक खुली जा रही है, भैरव बाबा की गोलक। देखिए दोस्तों, दूर से मंदिर के दर्शन कीजिए भैरव बाबा जी के, और ये सामने ऊपर बहुत ही विहंगम पर्वत, त्रिकूट पर्वत सामने, यहाँ माता रानी विराजमान है। और ये देखिए अभी 20 तारीख को यहाँ पर आग लगी थी। बेटा धूप से पता नहीं लग रहा बेटा। मेरा ले ले बेटा एक। ऐसे पूरा ग्रुप जाएगा, अभी ट्रॉली आएगी उसमें जाएगा, ठीक है। और हमारा मे बी सेकेंड या थर्ड ग्रुप होगा तब नंबर आएगा, ठीक है। जय भैरव बाबा जी की। हम भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद में हमने उड़न खटोला जाने के लिए ले लिया है यहाँ से, जिसमें देखिए ये मैं आपको उतरते हुए आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। नीचे पहाड़ियाँ, नीचे से यात्री जाते हुए पैदल यात्रा करते हुए घोड़ों और खच्चरों पर जा रहे हैं हम 200 ट्रॉली के ऊपर से। मैं आपको वीडियो के नज़ारे पूरे दिखा रहा हूँ यात्रा के, माता रानी के दरबार से लेके भैरव तक के दरबार की उतरते टाइम का मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ एक बार माता रानी का जयकारा लगाएं, बोल सच्चे दरबार की जय, माता वैष्णो देवी की जय।
ये ट्रॉली से बाहर निकलते हुए भैरव बाबा से वापिस आते हुए